brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं कांग्रेस का अमेठी का नॉमिनी हूँ, बस यही हूँ मैं। मतलब इससे बड़ा काम मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। राहुल गांधी के अमेठी लौटने की चर्चा जोरदार है। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट देश की उन चुनिंदा लोकसभा सीटों में से एक है जिस पर सभी की नजर टिकी रहती है। गांधी परिवार के लिए ये सीट पॉलिटिकल डेब्यू की तरह है। अमेठी वही सीट है जिससे गांधी परिवार के एक दो नहीं बल्कि पांच नेता पॉलिटिकल डेब्यू कर चुके हैं। पहले चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी, चाची मेनका गांधी और फिर मां सोनिया गांधी के बाद नंबर आता है राहुल गांधी का। साल 2004 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल डेब्यू अमेठी सीट से ही किया था और चुनाव जीता भी। अब एक बार फिर चर्चा है कि राहुल गांधी यहां से पांचवी बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बात करें राहुल की पहली बार अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की, तो राहुल जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने पहुंचे थे तो बहन प्रियंका गांधी के साथ रैली करते हुए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों का एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। हजारों की भीड़ ने उस वक्त अपने नेता का स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया। उस वक्त राहुल की एक झलक पाने के लिए दूर दराज के लोग हों या फिर यूपी कांग्रेस के नेता, हर कोई बेकरार नजर आ रहा था। किसी को राहुल के अंदर राजीव गांधी की छवि नजर आई तो किसी को राहुल में एक ऐसा नेता नजर आया जो कांग्रेस की तस्वीर बदल कर रख देगा। राहुल को उस वक्त पर्चा तो भरना था दोपहर 1 बजे के करीब, लेकिन भारी भीड़ का आलम यह था कि वो करीब 3 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुंच पाए। कलेक्टर ऑफिस में बाहर की तरह हंगामा तो नहीं था, लेकिन उस वक्त यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे और साथ में था पूरा परिवार। राहुल की आंखों से ये साफ लग रहा था कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं उसे पिता राजीव गांधी ने सींचा है और मां सोनिया गांधी ने भी राजनीति में कदम इसी जगह से रखा था। ये पल सोनिया गांधी के लिए भी यादगार था। सोनिया की आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उस वक्त काफी भावुक हैं। उस वक्त सोनिया बतौर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी थी। वैसे बता दें कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं। भले ही राहुल गांधी राजनीति में लगभग 2 दशक का समय बिता चुके हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने राजनीति में आने की बात तक से इनकार कर दिया था। लेकिन अपने इस बयान के कुछ समय बाद जब राहुल ने राजनीति में कदम रखा तो लोगों का बेशुमार प्यार और समर्थन प्राप्त हुआ। इसका उदाहरण तब दिखा जब राहुल पहली बार अमेठी सीट के कैंडिडेट के तौर पर जनता से मिलने पहुंचे। राहुल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जब लोगों से मिलने के बाद राहुल अपने 2-4 साथियों के साथ एक खेत में बैठकर आलू के पराठे खाते दिखे थे, साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी पीते नजर आ रहे थे। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री करने के साथ पहली बार अमेठी के कैंडिडेट के तौर पर मीडिया से बात करते हुए अपने आगे के प्लान्स बताए थे। सुनिए साल 2004 में राहुल ने क्या कुछ कहा था। मैं कांग्रेस का अमेठी का नॉमिनी हूँ, बस यही हूँ मैं। मतलब इससे बड़ा काम मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। योर एनिमीज विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से। जवाहरलाल नेहरूज एनिमीज हैड समथिंग टू से। इंदिरा गांधीज एनिमीज हैड समथिंग टू से। सोनिया गांधीज एनिमीज हैव समथिंग टू से। माय एनिमीज हैव समथिंग टू से। इन माय फैमिली वी आर नॉट टॉट टू वरी अबाउट व्हाट आवर एनिमीज टेल अस। वी आर टॉट टू वरी अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। वी आर टॉट टू वरी अबाउट व्हेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर टॉट टू वरी अबाउट व्हाट द पीपल थिंक। No matter how much you insult me, no matter how much you criticize me, kill me, I don't care. 2004 से लेकर 2019 तक हुए सभी चारों चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव में उतरे। 2009 और 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी 2004 की तरह ही जीते, लेकिन 2019 के संसदीय चुनाव में वो जीत का चौका नहीं लगा सके। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि राहुल को अमेठी सीट से 2019 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने
2019 में वायनाड से भी नामांकन पत्र भरा था, जहां से वो जीते थे। पिता की तरह राहुल अमेठी सीट से 4 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब 5वीं बार संभावना है कि वो एक बार फिर 2024 के चुनाव में यहां से चुनाव लड़े। अब 2024 में फिर लोकसभा चुनाव जोरों पर है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से अब चर्चा है राहुल गांधी के एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अमेठी पर 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 5वें चरण यानी कि 20 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। देखना होगा इसे लेकर आगे और क्या अपडेट आता है। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरीके की खबरें आगे भी देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।